देखिए एक लड़की है, इसका नंबर शायद दिल्ली का नंबर है, शिवानी नाम से। ये मुझसे बातें कर रही है और कह रही है कि वीडियो कॉल कर सकती हूँ। तो अभी हम कहेंगे ओके, और हमने ओके का लिख दिया है। अब देखेंगे, हम इसे अपना फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या होता है आप ये देखो। दरवाजा बंद कर दे भाई। अब इसको क्या रिप्लाई आता है ये देखे। भैया वीडियो कॉल कर सकती हूँ, ओके रूम में जाकर कॉल करती हूँ। ओके तो ये कह रही है कि मैं रूम में जाके कॉल करती हूँ। ठीक है, ये देखो क्या स्कैम, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। जैसे इसका कॉल आएगा ना, कॉल आने पे ये क्या करेगी, ये मतलब वीडियो चला देगी, न्यूड वीडियो, 100% न्यूड वीडियो चलाएगी और वीडियो कॉल करेगी, जिससे कि सामने वाला इसके झांसे में आ जाए। उसके बाद में ये बोलेगी कि हमने आपका वीडियो बना लिया, देखो ओके का मैसेज आ गया जी, ओके का मैसेज आ गया। अब हम रख लेते हैं कैमरे पे हाथ। ठीक है जी, कैमरा किधर है भाई? चलो जी, हमने कैमरे पे रख लिया हाथ, और कैमरे पे हाथ रख के हम करते हैं अब वीडियो कॉल। उधर से आएगी पक्का, देखो आगे कॉल आगे देखो, देखो जी चुकी है, देखो अब कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी, बताइए। आप तो आइए सामने, तभी तो मैं आऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं आप हो कौन। नहीं नहीं, पहले आप आओ ना, जब ही तो मैं देखूंगा आपको। मर्जी आपकी, आप सामने आते हैं तो पहले, वरना रहने दीजिए। जी बताइए। सामने हम बात तो कर रहे हैं ना, बताइए। जी मैं सामने तो तभी आऊंगा, तब आप तो आ नहीं रहे हो सामने। क्लियर आके आओ ना सामने, तभी तो मैं आऊंगा। चलो ठीक है, धन्यवाद, नहीं कॉल करना था, कोई बात नहीं। आप क्यों कॉल किया आपने? ओके थैंक यू। देखो भाई, अगर मैं इसको अपना फेस दिखा देते ना, तो 101% ये उधर से न्यूड होती है, मतलब वीडियो कॉल करती और फिर मुझे ब्लैकमेल करती, बोलती कि आपने वीडियो कॉल की है और आपको पैसे दीजिए इस तरह से। तो भाई सावधान रहिए, ऐसे ही कोई भी अचानक से कोई कॉल आ जाए आपके सामने वीडियो कॉल, तो एकदम मत उठाइए। अगर आपके जानने वाले की है तो उठाइए, और आपके जानने वाले की नहीं है तो मत उठाइएगा, स्कैम हो सकता है। और खुदा ना खासा अगर किसी के सामने स्कैम हो गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नजदीकी साइबर सेल में जाना है, वहां जाकर कंप्लेंट लिखानी है, क्योंकि इस तरह की फ्रॉड बहुत हो रही है। वो ये लड़के हैं, इसकी आवाज देखिए आपने, ये लड़की नहीं थी, ये लड़का था, और इसने लैपटॉप रखा होता है, लैपटॉप में न्यूड वीडियो चलती रहती है, जैसे आप कॉलिंग करोगे तो ये अपने मोबाइल को न्यूड वीडियो में उधर लेके जाएगा, और जैसे लेके जाएगा तुरंत ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी आपके उनके मोबाइल में, जो आपकी कॉल जा रही है ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद में वो फिर आपको तुरंत ही मैसेज आएगा कि हमने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है और आप इतने पैसे दीजिए, हम वो नाम अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आपको थेर दी जाएगी, आपको डराया जाएगा। तो प्लीज अगर आपके साथ नहीं हुआ तो सतर्क हो जाइए, और अगर हो गया है तो भैया साइबर सेल जाइए, कंप्लेंट लिखाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मैंने बाद में लिखा कि मछली फंसी नहीं जाल में, तो भाई साहब ने डायरेक्ट गाली दी है तेरी माँ की, मतलब डैश डैश डैश, तो मैंने लिखा है मतलब ये देखो, ये किस तरह का स्कैम है, ये स्कैम अक्सर
वो लोग फंसते हैं, यंग जनरेशन है वो फंसते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं वो फंसते हैं, और जो लोग विदेशों में रहते हैं अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपनी वाइफ से दूर रहते हैं, वो अक्सर इसमें फंसते हैं। ये पूरा गैंग है। पहले आपको फेसबुक पे जाएगा, फेसबुक पे चैट करेगा, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको अपना बनाएंगे, और इसमें 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और उसके बाद सीधा आपको बोलेगा कि आप रूम में जाइए, बात कीजिए, न्यूड हो जाइए, और जहां आपने ये गलती की समझो कि उनकी मछली जाल में फंस गई है। अब जाल में फंसने का मतलब यह है कि आप उनको पैसे दो, या फिर आपको ये आपको बोलेंगे कि हम आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे, हम आपको ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी हो जाए भाई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। साइबर सेल में जाइए, इनकी कंप्लेन कीजिए, ये बहुत शातिर लोग हैं, गलत गलत आईडी पे जाके ये सिम चलाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू ये छोड़ के जाते हैं। ये 101% पकड़े जाएंगे, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए और ऐसी फेक वीडियो कॉल से, फेक चैटिंग से बचिए, और अपना ध्यान रखिए।